सीक्वल के साथ आखिर अब कौन से नए एक्टर करने वाले हैं एलियन के अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री। बॉलीवुड की और कौन सी फिल्मों में एलियंस को पहले भी देखा जा चुका है। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पी के और बॉलीवुड में बनी एलियन के कॉन्सेप्ट बनी फिल्मों के बारे में। साल 2014 में आमिर खान फिल्म पी के लेकर आए थे। ये फिल्म क्रिटिक के साथ ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया था। इस फिल्म में आमिर खान एक एलियन के किरदार में नजर आए थे जो पृथ्वी पर आते आते उनका गैजेट खो जाता है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। फिल्म पीके के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब खबर आ रही है कि फिर से सिल्वर स्क्रीन पर एक नए एलियन की एंट्री होने वाली है और ये एलियन कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर होंगे। एलियन के कंसेप्ट पर पीके के अलावा पहले भी कई फिल्में बनी हैं। चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर मुद्दे पर फिल्म इंडस्ट्री फिल्में बनाने से पीछे नहीं हटती है, फिर चाहे वो रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन, सामाजिक मुद्दे या थ्रिलर। बॉलीवुड और हॉलीवुड ने एलियंस पर भी फिल्में बनाई हैं और इस तरह की फिल्मों को काफी पसंद भी किया गया है। फिल्मों में अच्छे के साथ बुरे एलियंस दोनों दिखाए जाते हैं। फिल्मों में हमें ये सब फिक्शन लगता है, मगर अब इसराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाले हाइम इशेद ने एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट के बारे में कहा है। तो आइए आपको बॉलीवुड में एलियंस पर बनी फिल्मों के बारे में बताते हैं। बॉलीवुड में एलियंस के कंसेप्ट पर बनी पहली फिल्म थी कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया सभी को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म में जादू ने जिस तरह से ऋतिक रोशन की मदद की थी, उसके बाद हर बच्चा चाहने लगा था कि उसकी जिंदगी में भी कोई जादू हो। ऋतिक रोशन के करियर के लिए ये फिल्म एक माइलस्टोन साबित हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए राकेश रोशन पर हॉलीवुड की फिल्म कॉपी करने का इल्जाम लगाया गया था। दरअसल कोई मिल गया के लिए राकेश रोशन पर इल्जाम लगा कि ये हॉलीवुड फिल्म इट द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की कॉपी है। स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टेड इस फिल्म को सत्यजीत रे की फिल्म एलियन जो कभी बन नहीं पाई की नकल माना जाता है। बॉलीवुड में एलियन के कंसेप्ट पर बनी गिनी चुनी ही फिल्में हैं जिनमें कोई मिल गया, फिल्म के सीक्वल यानी क्रिश और क्रिश के सीक्वल शामिल है, जिसके बाद फिल्म पीके ही थी जिसने यूनिक कंसेप्ट और स्टोरी के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और यही वजह है कि फिल्म के सीक्वल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, एलियंस के कंसेप्ट पर बनी कौन सी फिल्म है आपकी सबसे फेवरेट और आपको कितना है फिल्म पीके के सीक्वल का इंतजार, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।